आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्रणाम सिद्धांत अग्निहोत्री स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दीन बंधु रहबर आजम छोटू राम, जिनको सी आर भी बोला जाता है। ही वॉज नाइटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, सरकार ने भी इनको अवार्ड दिए हैं, काफी रिकॉग्निशन मिला है। दोस्तों गरीबों के मसीहा थे ये, किसानों के मसीहा, किसानों के लिए ही सोचते थे ये, और जितने भी जो भी इन्होंने काम किया है उसमें सबसे बड़ा फायदा किसानों का हुआ है। बता दूं कि उस समय किसानों के साथ कोई नहीं था, उस समय मतलब जब भारत आजाद नहीं हुआ था, और भारत की आजादी से पहले ये किसानों के साथ खड़े थे। कोई भी दिक्कत होती थी इनके पास पहुंच जाते थे किसान। इन्होंने मोर का शिकार भी बंद करवाया था, उस समय ब्रिटिशर्स को बड़ा पसंद था, सुंदर होते हैं मोर, आपको पता ही है, नेचर की एक बहुत बड़ी एक क्रिएशन है पीकॉक। लेकिन ये जो अंग्रेज है ना, बड़ा मजा उठाते थे, मोर को मारते थे और शायद खाते भी थे उन्हें। लेकिन छोटू राम ने क्या किया, बंद करवा दिया। कैसे बंद करवाया वो हम कहानी देखेंगे। छोटू राम ने एक बात कही थी दोस्तों, और ये बात आज भी लागू होती है। छोटू राम ने ये बोला था कि किसान हमारा अन्नदाता, लेकिन किसान क्या खाता है, वो हमको अन्न देता है, वो सब कुछ उगाता है, लेकिन उसके पास खाने को कुछ भी नहीं होता। आज हम देख रहे हैं दोस्तों, किसान सुसाइड कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, सारी पॉलिसी एक के बाद एक फेल होती जा रही है। छोटू राम ने बोला था कि जो किसानी है ना, वो भारत में है, वो जड़ में है, वो बेस है, भारत का बेस है, भारत किसान से ही है। अगर कोई इंसान गुस्से में होता है तो वो कानून तोड़ता है, लेकिन अगर किसान गुस्से में होगा तो कानून तो तोड़ेगा ही, साथ में सरकार की कमर भी तोड़ेगा। और ये बिल्कुल सही साबित हो रहा है दोस्तों, हमने पिछले साल ही देखा ना, मार्च में महाराष्ट्र में लाखों लाखों लोग पैदल चल के अपने गांव से जो किसान थे, घेराव किया था उन्होंने सरकार का। उसके बाद नवंबर में हमने देखा था कि दिल्ली में सारे किसान जमा हुए थे। तो दोस्तों बहुत बुरी हालत है, कुछ ना कुछ करना चाहिए, वरना भैया हमारे भी खाने के लाले पड़ जाएंगे। तो ये चीज है। अब दोस्तों हम इनकी कहानी आज देखेंगे, छोटू राम की बड़ी लेजेंडरी कहानी है, देखेंगे। _e_connect मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, दोनों ही जगह आप लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। हिंदी में भी पीडीएफ अवेलेबल है दोस्तों, आप स्टडी आईक्यू के ब्लॉग्स और वेबसाइट को विजिट करिए। हालांकि मैं भी अपनी प्रोफाइल पर शेयर करता रहता हूं, आपको बहुत फायदा होगा। स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेनड्राइव कोर्सेज हर एग्जाम्स के लिए आते हैं दोस्तों, आप इन नंबर्स पे कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए और घर बैठ के अपनी ड्रीम जॉब निकालिए। कौन थे छोटू राम, एक क्विक ब्रीफ ले लेते हैं हम। इनका जन्म 24 नवंबर 1881 में हुआ था और जो मृत्यु है 9 जनवरी 1945 में हुई थी, जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ था। बहुत ज्यादा इनका जीवन तो नहीं चला था, आमतौर पर जो लीडर्स होते हैं वो काफी टाइम तक जीते हैं, लेकिन इससे पहले छोटू राम और भी कुछ कर पाते, उनका देहांत हो गया। बहरहाल जितने दिन वो जिए बहुत अच्छा जिए, और काफी लोगों के लिए उन्होंने काम किया, स्पेशली उन लोगों के लिए काम किया जो उस समय मनी लेंडर्स की चपेट में थे, साहूकारों की चपेट में थे, वो भी हम देखेंगे। एक प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन थे, लीडर थे, और ही वॉज नाइटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी, और जब 1935 के बाद इलेक्शन हुए थे तो जब ये पार्टी सत्ता में आई थी तो इनको फिर रेवेन्यू मिनिस्टर का भी, विकास मंत्री का भी पद मिला था, और तब इन्होंने काफी कुछ काम किया था, इन्होंने बहुत सारे लॉ पास करवाए थे दोस्तों। बता दूं उस समय किसान पूरी तरीके से मनी लेंडर्स की चपेट में था, ठीक है, वो बहुत एक्सप्लॉइट करते थे, तो किसानों का हक उनको पूरी तरीके से मिले इन्होंने बहुत सारे लॉस पास करवाए थे, बहुत सारे कानून पारित करवाए थे, वो भी हम देखेंगे। तो छोटू राम का जन्म हरियाणा में हुआ था दोस्तों। छोटू राम का असली नाम था राम रिक्षपाल, ठीक है, और जाट कम्युनिटी के थे, और सांपला विलेज रोहतक डिस्ट्रिक्ट हरियाणा, उस समय तो पंजाब में था, यहां पे इनका जन्म हुआ था। अब दोस्तों कहानी ऐसी है कि सबसे छोटे थे भाइयों में, भाई बहनों में सबसे छोटे थे, तो इसीलिए इनको छोटू राम, इनका नाम जो है वो छोटू राम पड़ गया, ठीक है। असली नाम था इनका राम रिक्षपाल। इनके पिताजी का नाम चौधरी सुखीराम सिंह, बता दूं दोस्तों कि इनके पिताजी, 10 बीघा जमीन थी इनके पिताजी के पास, पैसे नहीं थे, तो पैसे के लिए इन्होंने कर्जा लिया था, साहूकारों से कर्जा लिया था। तो एक बार इनको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी, ये साहूकार से कर्जा लेने गए,
पैसे मांगने गए, साहूकार ने पैसे तो नहीं दिए, बहुत बेइज्जती की इनकी, बहुत ज्यादा इनको उल्टा सीधा सुनाया। ऐसा ही होता था दोस्तों, उस समय क्या होता था, किसानों के पास पैसे होते नहीं थे, ठीक है। ये ब्रिटिशर और ये जो बड़े बड़े लोग थे, जमींदार थे, इन्होंने तो पूरा बेड़ा गर्क कर दिया ना। फ्यूडल सिस्टम जो है भारत में, गुप्ता, जब गुप्ता आए, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, जब आपके समुद्रगुप्त आए और जो चंद्रगुप्त आए, ठीक है, चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त टू, जब वो पूरा एम्पायर चला, गुप्ता एम्पायर चला, तो वहां से फ्यूडलिस्ट सिस्टम जो है वो एस्टैब्लिश हो गया, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, उनकी मंशा तो सही रही थी। वैसे गुप्ता एम्पायर पे दोस्तों मेरा पूरा एक सेपरेट लेक्चर है, उनके सारे राजाओं की बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है, आप देख लीजिएगा। तो उनकी मंशा सही रही होगी, लेकिन धीमे धीमे क्या किए, क्या हुआ कि जो जमीन दी जाती थी, देखिए दोस्तों लड़ाई जमीन के लिए ही होती है। आज तक जितने भी युद्ध हुए हैं वो जमीन के लिए ही हुए हैं। वर्ल्ड वॉर टू भी जमीन के लिए हुआ था, हिटलर ने यही तो बोला था कि पूरा यूरोप हमारा है, तो सब कुछ जमीन के लिए लड़ाई होती है। तो वहां से जो फ्यूडेटरी सिस्टम शुरू हुआ दोस्तों, उसकी इतनी बुरी हालत हो गई कि बाद में छोटे लोगों को पूरा उनको ये शोषण का दंश जो है वो झेलना पड़ा। अब दोस्तों बात ऐसी थी कि उस समय क्या होता था, उस समय जो गरीब किसान होते थे, ठीक है, उनके पास पैसे नहीं होते थे, ठीक है, खेती करने के लिए पैसे नहीं होते थे, उनकी जमीन छोटी होती थी, और आज भी है ये चीज। तो वो क्या करते थे, वो साहूकारों के पास जाते थे। भाई उस समय तो नाबार्ड था नहीं, ठीक है, वैसे अभी भी है, अभी भी वो बहुत कुछ नहीं कर पा रहा है। तो वहां पे वो साहूकारों के पास, मनी लेंडर्स के पास जाते थे। वो क्या करते थे, वो उनको लोन दे देते थे, पैसा दे देते थे। अब भैया वो किसान गरीब, वो लोन चुका नहीं पा रहा है, ठीक है, तो लोन चुका नहीं पा रहा है, अब क्या करता था साहूकार, एक तो इंटरेस्ट बहुत होता था उस समय, वो क्या करता था कि जब लोन नहीं चुका पा रहा तो उसकी सारी जमीन हड़प लेता था, सब कुछ हड़प लेता था। यहां तक तो ठीक है, उसके बच्चों को, उसको भी अपना नौकर बना लेता था, और उसके बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी सब कुछ कॉन्फिस्केट कर लेता था। अगर मान लीजिए लोन बहुत छोटा भी है और उसको बहुत ही कम अमाउंट पे करना है, उसकी भी सजा बहुत बड़ी होती थी, क्योंकि किसान पढ़े लिखे नहीं होते थे। तो जो ये मनी लेंडर्स बताते थे वो ये मान जाते थे, और उसके बाद फिर ऐसा सिलसिला शुरू होता था ना दोस्तों कि किसान फिर सीधा आत्महत्या ही करता था। और आज भी यही चीज है, आज भी बहुत सारे गांवों में यही हो रहा है, गरीब किसानों की सुनने वाला कोई नहीं है, बहुत बुरी हालत है। तो जब इनके पिताजी की बेइज्जती की गई, इनके पिताजी ने भी कर्जा ले रखा था, सिर्फ 10 बीघा जमीन थी, वहां से छोटू राम ने ये ठान लिया कि अब मैं इसका विरोध करूंगा। और उसके बाद फिर इनका क्रांतिकारी सफर जो है ना वो शुरू हुआ, और गजब तरीके से शुरू हुआ। और आपको बता दूं, ये जो पूरा एक्सप्लॉयटेशन होता था ना, इसमें हर कोई शामिल था, छोटे से लेके बड़ा तक हर कोई शामिल था, राजा, नवाब, और हर किसी को अटैक किया था छोटू राम ने, ठीक है। भाई बहुत जबरदस्त लॉयर थे, जर्नलिस्ट थे। प्राइमरी स्कूल 1891 में इनका दाखिला होता है प्राइमरी स्कूल में, और वहां से फिर इनकी पढ़ाई स्टार्ट होती है। उसके बाद ये झज्जर में ही दोस्तों पढ़ते हैं, फिर क्रिश्चियन मिशन स्कूल दिल्ली में पढ़ाई इनकी शुरुआत होती है। यहाँ पे फीस बहुत ज्यादा थी, क्रिश्चियन मिशन स्कूल में बहुत ज्यादा फीस थी, तो इन्होंने क्या किया था, प्रिंसिपल के खिलाफ ही आंदोलन छेड़ दिया था। तो ऐसे तो थे ये, इसके लिए इनको रॉबर्ट रॉबर्ट भी बोला जाता था, इनका व्यक्तित्व बहुत जबरदस्त था। उसके बाद इन्होंने 1903 में इंटरमीडिएट एग्जाम के वहां से पास किया, और फिर 1905 में जब ये ग्रेजुएट हुए तो एक जर्नलिस्ट बने थे, ये सबसे पहले जर्नलिस्ट बने थे। उसके बाद इन्होंने लॉ की डिग्री भी ली, तो एक लॉयर भी हो गए थे। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि भारत के आप 90% लीडर्स देखें जो फ्रीडम मूवमेंट में थे, या जो आज भी हैं, जो पॉलिटिक्स में है, वो लॉयर्स हैं, ठीक है, वो लॉयर्स हैं। मेरा पर्सनली मानना ये है कि पॉलिटिक्स में साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, इन सब का आना बहुत जरूरी है, अपार्ट फ्रॉम दी लॉयर्स। लॉयर्स का तो वेलकम है, लेकिन इन सब का आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोई भी देश, कोई भी इकोनॉमी साइंस के बिना नहीं चलती है, और जो ये देश समझ जाता है वो बहुत ऊपर जाता है। तो दोस्तों इन्होंने लॉ की डिग्री ली 1910 में, और उसके बाद फिर ये एडवोकेट हो गए 1912 में, और यहां से फिर इनका ऐसा सफर शुरू हुआ, फिर उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। किसानों के हक में इन्होंने लड़ाई की, कोई भी दिक्कत होती थी किसान इनके पास पहुंच जाते थे, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करो। इन्होंने एक कांग्रेस से प्रभावित हुए, तो इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की 1916 में, और उसके बाद दोस्तों इन्होंने रोहतक
डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटी 1916 से लेकर 1920 तक, 1916 को उन्होंने रोहतक डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटी की स्थापना की और 1916 से 1920 तक उसके मेंबर रहे थे। गांधी जी को भी इन्होंने ज्वाइन किया था, महात्मा गांधी जी को भी इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ज्वाइन किया था, लेकिन इनका यह मानना था, इन्होंने छोड़ दिया था, इन्होंने गांधी जी को सपोर्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में नहीं किया था, ही विड्रू। क्यों? क्योंकि उनका यह मानना था कि इसमें किसानों का तो कोई फायदा है ही नहीं, किसानों का जब फायदा नहीं है, आपने हर किसी का फायदा देखा है लेकिन किसानों का क्या, उनका कोई फायदा नहीं है, इसीलिए मतभेद के चक्कर में उन्होंने छोड़ दिया था। वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी दोस्तों, गांधी जी को सीधा बोल दिया था अंग्रेजों ने कि आप हमको सैनिक दो वर्ल्ड वॉर वन में और उसके बाद हम आपको आजादी देंगे। तो जब महात्मा गांधी, जब वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुआ तो महात्मा गांधी जी ने बोला कि आजादी कहाँ है, तो अंग्रेजों ने बोला कौन सी आजादी, कैसी आजादी, आजादी तो नाम ही हमने नहीं सुना, ये क्या होता है, तो गांधी जी को उल्टे पांव लौटा है। लेकिन यहाँ पे छोटू राम ने बहुत ही अच्छा काम किया था, गांव गांव जाके उन्होंने 22,144 सैनिक भर्ती कराए थे दोस्तों, ठीक है। वर्ल्ड वॉर वन में भारत की तरफ से उन्होंने हरियाणा की तरफ से 22,144 सैनिक जो है वो भर्ती कराए थे। तो ब्रिटिश इनको वैसे बहुत मानती थी, तभी तो इनको ही वॉज नाइटेड, दैट्स वाई ही वॉज नाइटेड, ब्रिटिश इनको बहुत ज्यादा मानती थी, ठीक है। और इन्होंने मतलब जो ये पूरा एक्सप्लॉयटेशन चल रहा था इसके लिए सरकार के खिलाफ भी लड़ गए थे दोस्तों। 1915 में इन्होंने जाट गजट नाम के पेपर की स्थापना की और ये जाट गजट जो था वो किसानों की व्यथा को व्यक्त करता था, जितनी दयनीय कंडीशन थी उसमें छोटू राम लिखते थे, किसानों के लिए लिखते थे, सरकार के खिलाफ लिखते थे, मनी लेंडर्स के खिलाफ लिखते थे, जो एक्सप्लॉयटेशन होता था उसके खिलाफ लिखते थे। इसी में ही दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि यहां पे ही एक कहानी है कि उस समय जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर थे, ठीक है, उनका नाम था कमिश्नर एलिस्टियर, तो क्या था कि वो मोर का शिकार करते थे, तो लोगों ने बोला कि मोर को मत मारो भैया, सुंदर पक्षी है, तो मानते नहीं, उन्होंने नहीं माने कि हम तो मारेंगे चाहे जो कर लो। तो यहां पे लोगों ने छोटू राम से बोला कि ये भैया मान नहीं रहा है, कुछ करिए, तो उन्होंने इतना लिखा पेपर में उसके खिलाफ, इतना लिखा कि अल्टीमेटली उसको मानना पड़ा, मोर के शिकार पे पाबंदी लगी और एलिस्टियर ने माफी मांगी, कमिश्नर झुक गए हैं भैया इनके आगे। तो ये चीज थी, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। उसके बाद दोस्तों 1935 में जब इलेक्शन हुए 1935 में, तब इनकी जो पार्टी थी, अच्छा हाँ, 1923 में इन्होंने ट्रेड यूनियनिस्ट पार्टी का भी गठन किया था, ठीक है ना, और ये किसानों के लिए काम करती थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये किसानों के लिए काम करती थी, जमींदारा लीग, ठीक है, 1923 में। और बेसिकली इसमें हिंदू और मुस्लिम एग्रीकल्चरिस्ट, किसान कोई भी हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जो भी पीड़ित है सबका वेलकम है। और इस पार्टी ने 1935 में इलेक्शन जीता भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाई और वहां पे इनको विकास मंत्री का पद मिला। और उसके बाद इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए दोस्तों, इनके कुछ रिफॉर्म्स पे नजर डाल लेते हैं, ठीक है। मैंने यहां पे क्या है कि मतलब जो एक्ट्स है वो डाले नहीं है, ठीक है, तो आप लिख लीजिए चाहे तो। इन्होंने कुछ एक्ट्स पारित किए थे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सबसे पहले इन्होंने 1929 में सरकार के ऊपर दबाव बनाया और पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1929 में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इन्होंने पंजाब रेगुलेशन एक्ट 1930 में, या आप लिखते जाइए अगर आपको लिखना है तो, ठीक है, लिख लीजिए। उसके बाद इन्होंने पंजाब रिलीफ इनडेटनेस एक्ट, ठीक है, 1943 में, और डेटर्स प्रोटेक्शन एक्ट 1934 में, ये चार एक्ट। इसके अलावा इन्होंने लेबर लॉस को भी रिफाइन किया, ठीक है ना, छुट्टियां दी इन्होंने जो उस समय काम करते थे, जो श्रमिक वर्ग था जो काम करता था उनको छुट्टियां मिली। इन एक्ट्स में, अगर इन एक्ट्स को हम कुल मिला के देखें दोस्तों, तो इन एक्ट्स में कुछ चीजें थी, कुछ प्रोविजंस थे, और अभी मैंने आपको लेक्चर के शुरू में बताया था कि मनी लेंडर्स का क्या रोल था, ठीक है, वो छोटी छोटी बातों पे क्या करते थे, छोटी छोटी बातों से इन द सेंस मतलब कि अगर पैसे नहीं आ रहे उनके पास तो सारी जमीन हड़प लेते थे, जिसकी वजह से किसानों को सब कुछ झेलना पड़ता था। यहां पे क्या हुआ, मनी लेंडर्स को ये मैंडेटरी हो गया मनी लेंडर्स के लिए, साहूकारों के लिए, कि वो रजिस्टर करवाएं। इससे पहले रजिस्ट्रेशन नहीं था, जिसका जो मन है पैसे बांट रहा है, किसानों को टॉर्चर कर रहा है, रजिस्ट्रेशन नहीं था। यहां पे मनी लेंडर्स को अपने आप को
रजिस्टर करवाना था। अगर आप लोन दे रहे हैं तो आप रजिस्टर करवाएं, ताकि अगर कोई भी ऐसी गतिविधि है तो किसान आपके खिलाफ रिपोर्ट कर सके और आप एक लीगल मनी लेंडर होने चाहिए। ठीक है, आप किसान को प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। पहले यही होता था भैया, कानून किसका चलता था? जमींदारों का। जो उन्होंने बोल दिया वही पत्थर की लकीर है। तो यहां पे किसानों को वो प्रोसिक्यूट करते थे। बहुत सारी मूवीज में दोस्तों, एक मूवी आई थी आपको याद होगा, भारत की वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी और वन ऑफ द मोस्ट क्लासिक मूवी में से एक, हर किसी ने ही देखी होगी वो मूवी, जिसमें किसानों की व्यथा बताई थी। आंसू आ जाते हैं उसको देखते हुए। मदर इंडिया, आपको याद ही होगा वो मूवी दोस्तों। ठीक है, उसमें होता है ना जमींदार सुखी लाला माँ के कंगन तक गिरवी रखने पड़ते हैं, तो आपको याद होगा मदर इंडिया। वैसे ये इतनी ज्यादा डिप्रेसिंग मूवी थी, मैं उसको नहीं देखता हूँ, एक दो बारी मैंने देखी होगी, क्योंकि जब भी मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है। बहुत डिप्रेसिंग मूवी है, लेकिन वो सच मूवी है। ठीक है, एक क्लासिक मूवी है और आज भी उसको वन ऑफ द बेस्ट मूवी माना जाता है। सच्चाई पे जो कहानियां बेस होती है ना दोस्तों, उसको हमेशा ही बहुत ऊपर रखा जाता है, क्योंकि एक तरीके से फिल्मों भी समाज का, फिल्म्स भी समाज का आईना ही तो होती है। तो यहां पे दोस्तों जो मनी लेंडर्स है वो किसान को प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। दूसरी चीज दोस्तों, यहां पे 8 जून 1901 के बाद जितने भी जो भी जमीनें परचेज की गई हैं, वो सारी के सारे उनके ओनर्स को वापस देनी होगी। ठीक है, पहले ये होता था, देखिए मनी लेंडर्स रजिस्टर थे नहीं तो जमीन पे कब्जा कर लेते थे किसानों की। अब ऐसा नहीं होगा, जो ओनर्स है, जो उनके असली ओनर्स है, आप उनको वापस देंगे। और इसमें फार्मर्स को एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस था, खाली उनको एक एप्लीकेशन देनी थी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को और उनको उनकी जमीन जो है वो वापस मिल जाती है। अगर उनको लगता है कि 1901 के बाद जमीनों पे अवैध कब्जा हुआ है तो यहां पे उनकी जमीनों को वापस देगी सरकार। अब दोस्तों जो अवैध कब्जा है वो आज भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना, किसानों की जमीन पे किसान पढ़े लिखे होते नहीं है। ठीक है, बहुत कम किसान होंगे जिनको कानून की नॉलेज होती है, तो लोग क्या करते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनकी जमीनों पे कब्जा कर लेते हैं, और आज भी ये होता है दोस्तों। सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर किसी साहूकार ने दोगुना लोन अमाउंट जो है वो किसान से लिया है, तो उसी वक्त उसको लैंड भी मिलेगा किसान को और कंपनसेशन भी मिलेगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। एक चीज इसमें और थी दोस्तों, पहले क्या होता था कि अगर पैसा नहीं चुका पाता था किसान, तो उसके जो भी एसेट्स थे मनी लेंडर्स ले जाते थे, जैसे जो उनके क्या कहते हैं कि जो जैसे कैटल्स होती थी ना, उनको उठा के ले जाते थे। ठीक है, बैल हो गया, कैमल्स हो गया या गाय हो गई, इन सबको उठा के ले जाते थे। मदर इंडिया में था ना वो, दो बैलों को ले जाता है। तो यहां पे ये पूरी तरीके से बंद करवाया छोटी राम ने कि किसी भी तरीके के कैटल्स को आप कॉन्फिस्केट नहीं कर सकते। आप किसानों की, भैया ये कमाई होती है जो कैटल्स होते हैं, आप उनको जो है बिल्कुल भी नहीं ले जा सकते। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट, प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट और एक लैंडमार्क एक्ट, इन्होंने मंडी एक्ट को पास करवाया 1939, पंजाब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट, जो कि 1939 में पास करवाया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था दोस्तों, क्योंकि यहां पे मंडीज एस्टैब्लिश हो गई थी। आज भी मंडीज हैं, हालांकि आज उसी मंडी की वजह से किसानों की हालत बहुत ज्यादा बुरी है, क्योंकि बीच में जो बिचौलिए रहते हैं वो सारा पैसा खा जाते हैं। हमको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी APMC एक्ट को इस समय अमेंड करना है, बदलाव करने हैं। इतना बढ़िया अभी नेशनल एग्रीकल्चर मिशन NAM आया था, लेकिन वो पूरी तरीके से फेल हो गया। ठीक है ना, जितनी भी मंडी थी वो बिल्कुल डिजिटाइज हो गई, ठीक है ना, डिजिटलाइज हो गई, वो डिजिटल था लेकिन वो फेल हो गया। तो यहां पे हमको चीजें करनी पड़ेंगी दोस्तों। तो ये जो मंडी एक्ट था उस समय बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ था, क्योंकि यहां पे फार्मर जो है वो मंडी में जाके अब जो भी उसने उगाया है वो उसको बेच सकता था और उसको सही प्राइस मिलता था। तो ये एक लैंडमार्क डिसीजन था, जिसकी वजह से बाद में मंडीज एक्ट भी आया। उसके बाद यहां पे दोस्तों लेबर्स एक्ट भी आया, ठीक है, हालांकि उसको बाद में 1945 में अमेंड किया गया था दोस्तों, लेकिन लेबर्स एक्ट भी आया, जिसमें यहां पे क्या था, 1940 में लेबर्स एक्ट आया था, यहां पे लेबर्स को छुट्टियां मिलने लगी थी। ठीक है ना, दिन में 11 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवाया जाएगा, 14 साल से कोई कम, किसी की अगर 14 साल से कम उम्र है उससे काम नहीं लिया जाएगा,
161 छुट्टियां आपको मिलेंगी, ठीक है ना, सॉरी वीक में आपको 61 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवाया जाएगा, और यहां पे आपको साल में छुट्टियां भी मिलेंगी अच्छी खासी, तो आप ले सकते हैं। 14 छुट्टियां थी आई गेस, मैंने 161 छुट्टियां बोल दिया, कुछ ज्यादा ही था, ठीक है, 14 छुट्टियां थी इस एक्ट के मुताबिक जो कि एक लेबर ले सकता है। तो ये सारे के सारे रिफॉर्म जो थे ना, ये छोटू राम ने किए थे, और इसकी वजह से 1937 में ही वॉज नाइटेड, ठीक है ना, इनको बहुत बड़ा अवार्ड मिला, तो आज भी इनको बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन मिलता है। हाल ही में 2000 आई थिंक अक्टूबर 2018 में नरेंद्र मोदी ने इनका 64 फीट लंबा स्टैचू भी अनवेल किया था, शायद कुरुक्षेत्र में उसको किया है, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा जब भी किसान की बात आती है, छोटू राम का नाम सबसे पहले आता है। भागवत गीता पढ़ते थे और बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे भागवत गीता की फिलोसफी से। इससे पहले ये और ज्यादा कुछ कर पाते, और ज्यादा किसानों के लिए काम कर पाते, 9 जनवरी 1945 में इनका देहांत हो गया। तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है, क्या है दोस्तों कि बहुत सारे भारत के ऐसे लीडर्स हैं जो एंड टाइम पे जब पीक पॉइंट होता है तब छोड़ के चले जाते हैं हम लोग को, तो ये भी दिक्कत है। 1937 में इनको ही वॉज नाइटेड, और इनको रहबरे आजम भी बोला जाता है, दीन बंधु बोला जाता है, भैया द हीरो ऑफ द पीपल, उन लोगों के हीरो जो एक्सप्लॉइटेड है। तो ये पूरा का पूरा लेक्चर था दोस्तों छोटू राम पे, आई होप आपको पसंद आया होगा, जरूर शेयर करिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।